तो हेलो गाइस, अभी का बता देता हूँ क्या चल रहा है। तो ना अभी कैंपस में तो अपना कल CODM का टूर्नामेंट ख़त्म हुआ, उसके विनर्स में मैं आपको दिखा दूंगा। एंड अभी की चीज़ें बता देता हूँ क्या चल रहा है। एक्चुअली सुबह से मैं क्या किया, सुबह से जो मैं लैपटॉप मंगाया हूँ उसमें मैंने कंटेंट डाला है बहुत सारा। कंटेंट किसका डाला? एक्चुअली ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करनी है जिसके लिए वो लैपटॉप है उसे। सो अब देखो, मैं डायरेक्ट भेज देता तो उसे ढूंढने में चीज़ें, और अभी वो गांव में, तो गांव में इंटरनेट स्पीड बहुत स्लो आती है, बहुत ज़्यादा स्लो आती है, एंड इतना स्पीड में डाउनलोड नहीं हो पाता। सेकंड थिंग कि अगर वो कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा कि किस टीचर से कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी है एंड ऑल। तो अभी जो मेरे दोस्त हैं बहुत सारे, वो हैं ऑलरेडी उस फील्ड में, तो उनसे थोड़ा बहुत आइडिया लेके मैं सारा कंटेंट उसमें डाल के भेजूँगा। यही प्लान है अभी। तो मैं सुबह से बताया था कि मैं क्या कर रहा हूँ अभी इस लैपटॉप में, जितने भी उसके लेक्चर्स वगैरह, अच्छे इंस्ट्रक्टर्स के जितने भी लेक्चर्स हैं सारे डाउनलोड करके इसमें रख रहा हूँ, ताकि उसे वहाँ डाउनलोड ना करना पड़े, डायरेक्ट पढ़ने का काम रहे। ओके, तो मैं क्या किया कि जस्ट मेरे को सैनन ने आइडिया दिया, और मेरे को वो, मैं तो याद ही नहीं था, मैं अभी वो बस बोलने की बात होती है ना, तो पाइथन स्क्रिप्ट होती है, तो पाइथन स्क्रिप्ट से तुम डायरेक्ट प्लेलिस्ट की प्लेलिस्ट डाउनलोड कर सकते हो। डायरेक्ट तुम्हें कुछ नहीं, स्क्रिप्ट लिख के रन कराना होता, तो मैं वही कर रहा हूँ अभी। इसमें जस्ट मैं VS कोड इंस्टॉल किया एंड पाइथन इंस्टॉल किया, अभी दिखा दूँ। जस्ट अभी पाइथन इंस्टॉल किया, VS कोड किया, अभी जस्ट मैं स्क्रिप्ट रन कराऊंगा। उससे पहले बस वो जो भी रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज वगैरह वो सारी इंस्टॉल कर देता हूँ, एंड देन आई शो यू कि किस तरीके से स्क्रिप्ट से डाउनलोड होता है। तो कल के बैटरी टेस्ट के बारे में बता देता हूँ। कल ना मैं 4-5 घंटे देखा था एंड मूवीज एंड म्यूजिक वगैरह चला रखे थे इसमें बैकग्राउंड में। मैं काम तो अपने मेन लैपटॉप पे कर रहा था बट चल रहा था इस पर। तो 4-5 घंटे के बाद में बैटरी कुछ हुई थी 30-40% डाउन। मुझे नहीं पता इतना सही कैसे दिया उसने उस टाइम पर, मे भी हो सकता है मैं कुछ हैवी काम नहीं कर रहा था। सो आज मैं वापस टेस्ट कर रहा हूँ बैटरी के साथ, देखते इसमें आज क्या होता है। आज मैं काफ़ी सारे टैब्स खोल के लगाऊँ, VS कोड चला रहा हूँ और बाकी चीज़ें इंस्टॉल कर रहा हूँ। अगर टैब्स दिखाओ तो बहुत सारी खुली हुई हैं, एक बार दिखा देता हूँ। 551 एंड बैटरी अभी है 64%। ओके 64 देख लो, एंड इतनी सारी टैब्स खुली हैं। अभी पाइथन इंस्टॉल की थी इसमें, कमांड प्रॉम्प्ट एंड ऑल VS कोड, एंड ये कुछ टैब्स इसमें खुली हुई हैं। नोट पर यूट्यूब की 2 टैब्स खुली हुई हैं और क्रोम की भी कुछ टैब्स खुली हुई हैं। ओके, तो काफ़ी सारी चीज़ें खुली हुई हैं। अभी देखते हैं कि कितना बैटरी डाउन होता है, बताता मैं आपको 1-2 घंटे के बाद में, ठीक है? उससे आपका आइडिया लगा सकते हो। बाय द वे, मेरे को अब तक इसमें कोई दिक्कत नहीं आई है, मस्त बैटरी चल रही है इसकी। ओके, सो लेट्स गो। पाइथन तो इंस्टॉल हो चुकी है एंड अब बाकी चीज़ें देखते हैं। लेट्स गो गाइस, इसमें भी कोडिंग कर दी। तो ओके, स्क्रिप्ट का कोड डालूंगा अभी इसमें, बिफोर दैट कि ये पिप का कुछ इशू आ रहा है इसे सॉल्व करता हूँ, एंड देन एक साथ प्लेलिस्ट डाउनलोड करेंगे, दिखाते हैं आपको। लेट्स गो गाइज, अब मैं आराम करूंगा, अब मुझे सारी चीज़ें इंडिविजुअल डाउनलोड नहीं करनी पड़ेंगी। मैं स्क्रिप्ट रन करा दिया हूँ, वो सारी वीडियो लेक्चर्स डाउनलोड होते जा रहे हैं खान सर के। ये मेरे को पर्सनली फेवरेट लगता है कि अगर कभी भी इंटरेस्टिंग हो मन, अगर अच्छा पढ़ने का कर रहा हो, मतलब समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि एकदम तुम्हारा मन ज़्यादा नहीं है बट फिर भी तुम पढ़ना चाहते हो, तो तुम ये लेक्चर्स देख सकते हो, ये तुम्हें इंटरेस्टिंग लगेंगे। तो ये देखो स्क्रिप्ट रन हो गई है एंड ये डाउनलोड कर रहे हो, भाई क्या सही चीज़ है वे। अब मैं इससे अपने बहुत मेहनत बचाऊंगा, सारी चीज़ें इंडिविजुअल डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, सीधा प्लेलिस्ट से डाउनलोड करूंगा। लेट्स गो, डन। पाइथन भाई कूल है इन सारी फीचर्स के लिए। भाई बैटरी का तुम देख सकते हो, अभी देखो 621 हो चुके हैं एंड बैटरी अभी है कितनी, 55%। ओके, एंड अभी वी आई एम वर्किंग ऑन दैट। काफ़ी सारे टैब्स खुली हैं, इस पर प्रोग्राम भी रन हो रहा है, स्क्रिप्ट जो मैंने स्क्रिप्ट चलाई थी पाइथन के लिए, 4K डाउनलोडिंग लेक्चर्स एंड ऑल। एक मिनट दिखा देता हूँ आपको वो। ओके कूल, ये देखो स्क्रिप्ट भी चल ही रही है साथ के साथ, तो कूल इस तरीके से तुम कर सकते हो एंड ऑल। होने दो इसे डाउनलोड। तो अभी जो लेक्चर डाउनलोड किए थे वो कुछ इस तरीके से हुए थे, लेक्चर 1 लेक्चर 2। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग था कि कौन सी वीडियो डायरेक्ट देखें ऐसे, क्योंकि बाहर से तो टाइटल समझ में नहीं आएगा। तो मैं इस बार क्या किया, ये रीनेम वाली 4 लाइन कमेंट कर दिया, तो अभी जो न्यू होंगे वो सीधे जो एजी यूट्यूब पे जो टाइटल्स हैं वो किसी सेम यूट्यूब टाइटल के नेम से वीडियो डाउनलोड होंगी। दैट्स इट, होने दो इन्हें जल्दी से।
कूल गाई होने दो। मैं इसमें क्या क्या नहीं डाल रहा हूँ, तो मैं सूर प्लेलिस्ट की प्लेलिस्ट डाल रहा हूँ। भाई अभी बहुत बड़ी प्लेलिस्ट मैंने एक अपलोड कर दी है, इसमें 41 वीडियो हो जाए, तब तक मैं अपने मेन चैनल पे वीडियो पोस्ट कर देता हूँ आज क्या। ओके भाई, अब इसकी बैकलाइट भी दिखा देता हूँ, है इसमें बैकलाइट इधर है, ये रही है। टाइम काफ़ी हो गया है, दिखा देता हूँ, 646 वीडियो अपलोड कर देता हूँ मेन चैनल पर। अभी 1040 हो चुके हैं एंड मैं बताया नहीं था, अभी जस्ट चार्ज लगाया, जस्ट चार्जिंग लगाते ही मैंने बताया था 20% पे चार्ज लगाया था और 1035 पे चार्जिंग लगाया था, तो आप देख सकते हो इतना ड्रॉप हुआ था। मैं बता देता हूँ, कंटिन्यूसली मैं काम नहीं कर रहा था, बीच बीच में मैं कुछ और भी कर रहा था, तो बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा दिया है इसने। तो मैं क्या क्या चीज़ें चला रहा था, मैं VS Code चला रहा था, यूट्यूब चला रहा था एंड बाकी चीज़ें डाउनलोडिंग भी हो रही थी, कुछ चीज़ रनिंग पे थी, तो काफ़ी सारी मल्टीटास्किंग चीज़ें हुई हैं। तो बैटरी बैकअप बढ़िया था अभी तक। अभी मैं आपको चार्जिंग टेस्ट बता देता हूँ, एक मैं एक काम करता हूँ, चार्जर हटा के 0-10% से बताऊँगा। ओके देखो, तो चार्जिंग टेस्ट करते हैं इसका। ओके तो मैं देखो गाइस, मैं चार्जिंग हटा दिया हूँ, अभी कितना है 23, तो इसको 15% तक जाने देता हूँ, उसके बाद 15 से मैं देखेंगे 100 कितने जल्दी चार्ज होता है। ओके और साथ में मैं काम भी करता रहूँगा। चीज़ बताता हूँ गाइज, मैं आपको बोला था कि मैं स्क्रिप्ट से डाउनलोड कर रहा हूँ, भाई देखो कितनी सारी चीज़ें मैं डाउनलोड किया हूँ। अभी इंग्लिश का एक कोर्स हो रहा है, बाकी वो ठीक है। नहीं सुबह से देखो ये 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 भाई पूरा भंडार डाउनलोड किया है, हर चीज़ डाउनलोड किया है इसमें जो भी उसको यूज होगी। ओके दैट्स इट, ये डाउनलोडिंग चल रहा है, तब तक मैं ये देखो एक लेक्चर डाउनलोड हो गया, दिख रहा है ना, क्योंकि ऊपर प्रिंट कर रखा है हमने, जब भी डाउनलोड होगा कि डाउनलोड सक्सेसफुली आ जाएगा, वीडियो का टाइटल आ जाएगा। सो फॉर नाउ अभी मैंने आज की डेली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया क्योंकि पूरा टाइम इसी पे गया था, तो अभी मैं जस्ट डेली प्रॉब्लम सॉल्व करने जाता हूँ अपने मेन पीसी पे। ओके जो भी चीज़ें डाउनलोड कर रहा था इस ट्यूटोरियल से देख के कि क्या क्या सिलेबस है, वो देख के उसी के हिसाब से डाउनलोड कर रहा था, क्योंकि अभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है तो थोड़ा केयरफुली चीज़ें देख के ही डाउनलोड करनी है, ऐसे वरना कंटेंट उल्टा सीधा बहुत पड़ा हुआ है। ओके लेट्स गो, चलो आज की प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। तो आज की जी अभी प्रॉब्लम डन एंड टाइम हो चुका है 10:45 एंड देख सकते हो ये हो चुके हैं डन। अभी मैं जा रहा हूँ सर GFG की प्रॉब्लम सॉल्व करने एंड उसके बाद में थोड़ा रेस्ट करना है मुझे, क्योंकि मैं परेशान हो चुका हूँ स्क्रीन के ऊपर देख के। तो आज की GFG प्रॉब्लम ईजी थी, हो गई जल्दी, अभी सबमिशन हमारा हो गया था। ओके एंड दिस इज सॉल्व, जल्दी जल्दी मारने के चक्कर में दो कंपाइलर मार दिए, सेमीकॉलन भूल गया था। सो गाइस देखो अभी अपना 11:13 हो चुके हैं, 19% है, बहुत कम डाउन हो रहा है ये, एंड 19 होते ही बैटरी से वगैरह ऑटोमेटिक ऑन हो चुका है, तो मैं अभी से चार्ज लगा रहा हूँ इसे एंड मैं इसे यूज नहीं लेने वाला हूँ बस, तो देखते हैं कितनी देर में फुल चार्ज हो जाता है। यूज मैं नहीं लूँगा इसे, ऑफ ही कर रहा हूँ आपके सामने ही, देखते इसे अभी जस्ट मैं 1 घंटे बाद इसको ओपन करके देखूँगा क्या रहा। ओके देन बताऊँगा आपको फास्ट चार्जिंग कितना काम की। ये रहा इसका पोर्ट चार्जर, 70 वॉट चार्जर, वो चार्जर लगा हुआ है, दैट्स इट, बताता कितनी जल्दी चार्ज हुआ फुल 100%। बैटरी बड़ी है तो चार्जिंग में थोड़ा टाइम ले रहा है, 32% हुआ है अभी एंड 11:38 हो चुके हैं, होने देता हूँ अभी। मैं साथ में चार्जिंग भी कर रहा हूँ और साथ में काम भी करना स्टार्ट कर रहा हूँ, देखते हैं कितना बैटरी जल्दी चार्ज होता है। बाकी इसकी बैटरी काफ़ी बड़ी है और दैट्स वाई डी इतना टाइम ले रहा है, क्योंकि 17 आवर लॉन्ग बैकअप देता है, तो मैं इतना ये कंपनी बोलती है, इसके बॉक्स पर लिख रखा है कि 17 घंटे का बैकअप देगा, तो चल भी रहा है अभी तो उतना काफ़ी चल रहा है, बट देखते कितना फास्ट चार्जिंग होता है, लेट्स सी। मेरा फिक्स किया है अभी, इससे पहले ये कोड खुली वो नहीं था वर्किंग, देखो ये फेल हो जा रहा था एक दो वीडियो डाउनलोड करके, मतलब पहले वर्किंग हो रहा था, पता नहीं जब मैं थोड़ी हैवी प्लेलिस्ट देने लगा उसके बाद में दिक्कत देने लग गया, तो अभी ये कोड में कुछ चीज़ें चेंज की जिससे अभी ये भी चेक कर लेगा कि उस फोल्डर में ऑलरेडी वो वीडियो एग्जिस्ट है कि नहीं है, अगर वो एग्जिस्ट होगी तो वो डाउनलोड नहीं करेगा। एंड अभी का न्यू स्क्रिप्ट का कोड ये रहा, देख सकते हो चेंजेस आपको दिख ही रहे होंगे, अभी होपफुली ये जल्दी से हो जाए। भाई मेरे को नींद आ रही है बट ये कंप्लीट करके ही सोना है, परेशान हो चुका हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर। ये देखो एक लैपटॉप यहाँ खुला पड़ा है, एक है
मोबाइल तो चार्ज हो रहा है, टाइम 12:33 हो चुके हैं। अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर, थोड़ा घूम के आता हूँ जिससे थोड़ा सा माइंड रिलैक्स। जेन्युइनली बोल रहा हूँ, चार्जिंग होने में टाइम ले रहा है, 1:30 हो चुके हैं और अभी भी ये फुल नहीं हुआ है, 90% हुआ है, तो टाइम तो ले रहा है। देखो मेरा अभी मैं फर्स्ट टाइम है जब फील कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा चार्जिंग में टाइम ले रहा है। ओके देखते कितना जल्दी होता है 100%। मैं सोच रहा हूँ, देखो मेरे को आ रही नींद, इसमें काफ़ी चीज़ें डाउनलोड करके रखनी है मुझे, और ये काफ़ी चार्ज हो चुका है एंड अभी फोल्डिंग लाइट का भी वो आ गया है, तो दिक्कत नहीं होगी मेरे को, मैं जस्ट डाउनलोड लगा के सो सकता हूँ। तो सबसे पहले इस पीसी को मैं कर देता हूँ बंद एंड इसको रख देता हूँ साइड में, और उससे पहले इसको कर देता हूँ थोड़ा मिनिमाइज एंड ये रखा साइड में, इसको मैं शट डाउन कर ही देता हूँ। सही चीज़ क्या लगी मैं अभी तक नोटिस नहीं किया था, चलो अभी तो मैं इसको पूरा सामान इधर रख दिया, बट भाई बड़ी स्क्रीन का क्या फील है इसमें, अगर मूवी देखो तो अलग मजा आए। और एक अच्छी चीज़, इस लैपटॉप में बहुत सारे पोर्ट्स हैं, तो मेरे को इसमें पोर्ट्स लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, सारे पोर्ट्स मैं इसी में लगा सकता हूँ, जैसे अपना कीबोर्ड का हुआ और वो सब हुआ। जैसे कि देखो कीबोर्ड का मैंने इधर लगा दिया, इधर भी है। ओके अब देखो कीबोर्ड भी कनेक्टेड, माउस भी कनेक्टेड, और कूल। देखो ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इस पीसी से मेरे पास HP यूज करता हूँ और उससे इसका 2 गुना ज़्यादा अच्छा स्पीकर है, बहुत शानदार चल रहा है ये, अलग वाइब्स है एकदम। इसके स्पीकर साइड में है। सो अभी दो दो स्क्रिप्ट चला दी, दो दो VS कोड में, तो अभी बहुत ज़्यादा लैन इथरनेट लगा रखा है, तो स्पीड मिलेगी फुल एंड रात का टाइम है तो इतने यूजर्स भी नहीं होंगे, तो होपफुली जल्दी से सब कुछ डाउनलोड हो। चल रहा है डाउनलोड, मैं सोच रहा हूँ एक और VS कोड चलने दो, आज चलने दो, इस पर लोड देखते हैं कितना डाल सकते हैं, डाल देखे तो सही इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, i3 कितना झेल पाता है, लेट्स गो। मैं यूज लेने लग गया था इसे अभी, और यूज लेते लेते देखो 144 हो चुके हैं एंड 94 इसका परसेंट बैटरी, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि किस तरीके से, क्योंकि ना चार्जिंग के टाइम, और कुछ लोग बोल रहे थे चार्जिंग के टाइम पे थोड़ा वाइब्रेट करता है। देखो मैं अभी टच करके देख रहा हूँ, मेरे को ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि कुछ वाइब्रेट वगैरह कर रहा है ज़्यादा, बट एक चीज़ का ध्यान रखना कि एक्चुअली ना इसके पिन सारे अंदर नहीं जाते हैं, तो थोड़े केयरफुली इधर से, कई बार ना हल्का हल्का सा वो करंट होता है ना चीटी जैसा छोटा सा, वैसा फील हो जाता है कई बार, बाकी तो मेरे को कोई इशू नहीं दिख रहा है इसमें। ऑल सेट, होने दो इसको, कितना डाउनलोड हो पाता है, लेट्स गो। ओके तो जिन लोगों को भी डाउट था कि गेमिंग होगी नहीं होगी, तो Asphalt 9 डाउनलोड कर रहा है, परफॉर्मेंस बताते हैं आपको कैसा है। i3 है, ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, फिर भी देखते हैं कितना झेल पाता है, थोड़ा बहुत खेल के देखते हैं इस पे। दैट्स इट, लेट्स गो गेमिंग विद Oreo, लेट्स गो देखते कैसा चलता है इसमें। तो गाइज कलर क्वालिटी भी आपको दिखाई देते हैं, लेट्स गो। देखो कुछ मैं ऐसा नहीं बताऊंगा कि साइड से दिखाया तो व्यू अच्छा दिखा रहा है, मैं जस्ट मेरी आंखों के सामने फ्रंट कैमरा इस मोबाइल के, इसका मोबाइल का रियर कैमरा 4K है, उसी से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखो रात का टाइम है तो हो सकता है थोड़ा नॉइसी आए, तो वो चलेगा, बट स्क्रीन आपको समझ में आएगी कैसी है, तो लेट्स गो दिखाता हूँ आपको स्क्रीन के कलर ग्राफिक्स कैसे हैं एंड ऑल।